फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया, हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये तंज सीएम योगी को गोरखपुर से टिकट मिलने पर कसा है। बीजेपी ने यूपी के लिए उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ अपने गृह नगर गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। जहाँ तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया, हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ ऑफिस वाले ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया गया है। ट्विटर पर लिखा, सुनो बबुआ, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए समूचा प्रदेश ही उनका घर है और यहाँ प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें पुनः अपना अभिभावक भी घोषित करने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो ना घर के रहोगे ना घाट के। गोरखपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1967 से अब तक हुए चुनावों में इस सीट पर बीजेपी कभी नहीं हारी है। पिछले 4 चुनावों से 2002, 2007, 2012 और 2017 राधा मोहन दास अग्रवाल विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाकर बीजेपी की कोशिश गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर जीत पक्की करना है। 2017 के चुनावों में 41 में से 37 सीटों पर बीजेपी जीती थी। गोरखपुर जिले की 9 सीटों में से 8 पर बीजेपी जीती थी। 2017 की जीत को दोहराने की जिम्मेदारी अब योगी आदित्यनाथ के कंधे पर होगी। अपने कार्यकाल के दौरान 42 बार अयोध्या का दौरा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अयोध्या से टिकट न देकर गोरखपुर शहर से टिकट दिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर लोगों की नाराजगी बताई जा रही है। कहीं जमीन अधिग्रहण को लेकर गुस्सा है तो कहीं दुकान खाली कराए जाने को लेकर। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पूरे आलाकमान ने मथुरा का मुद्दा उठाया, लेकिन आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ की जगह मथुरा से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को ही उम्मीदवार बना दिया है। मथुरा सीट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और यहां से कांग्रेस के प्रदीप माथुर 4 बार विधायक रहे हैं। 2017 में प्रदीप माथुर को ही श्रीकांत शर्मा ने हरा कर कमल खिलाया था। पूरा गणित देखा जाए तो गोरखपुर ही योगी के लिए मुफीद सीट मानी जा रही है। बीजेपी एक बार फिर योगी को गृहनगर की सीट से लड़ाकर यूपी में कमल खिलाने की तैयारी में है। न्यूज़ तक ब्यूरो।